राना आर्मी कहाँ है? आर्मी बॉर्डर पे है। अरे वो नहीं जो देश में होता है, देश के अंदर वाला आर्मी। अच्छा ये वाला झुटकली आर्मी? हाँ गमछा वाला, गमछा वाला आर्मी, बुलुक्का आर्मी। अच्छा अच्छा हाँ, कहाँ है वो? बुलुक्का आर्मी केस करता है हमरा पे। अच्छा तुमरा पे किया था सिवान वाला केस में? हाँ, जहाँ सिद्धार्थ सिंह नाम के एक बच्चा का हत्या हो गया था भीम आर्मी द्वारा, तो उस पे हम बात रखे तो वहाँ लाइव 20 आदमी आके बोल रहा है तोरा पर केस करेंगे। अच्छा, और आज अपन भाई मारा गया था, सब चुप, सब 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 चुप है, शांति है, क्लियर है। वही से तो पूछ रहे थे कि सब कन्ने है, कन्ने है। देखिए ना, चार दिन ले को न्यूज नहीं है। हाँ। जाना तो छोड़ दीजिए, कोनो न्यूजो नहीं है। वो एक्टिविस्ट वेद कौन कौन के, हाँ, हाँ। बहुजन के चैनल है 40-50 को, हमने ला अलग नहीं है ना, ना। ये लोग ला कह रहे हैं कि ये लोग का अपन अलग बांट के रख ले, हमने तो बांट के नहीं ना बने, हम नहीं बांट के थोड़े रख ले। मधुबनी में होगा वहाँ जाएंगे, यहाँ बायसी में हुआ है उस पे बोलेंगे, क्योंकि नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, जा तो सकते नहीं है। जाना होता तो अभी तक पहुँच गए होते, लेकिन बोलने से तो कोई नहीं रोक सकता है। बाकी हम लोग कोई आर्मी बना के तो बैठे नहीं है, कोई समुदाय तो बना के नहीं बैठे कि फलाना समुदाय के लिए हमेशा उठेंगे, हथियार लेंगे या फिर आवाज उठाएंगे या संघर्ष करेंगे, न्याय दिलाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारा। तो आर्मी तबे बोलता है ना जब उसको लगता है कि हिंदू में बंटाधार कर देना होगा, क्योंकि मीम भीम का भाई भाई वाला है ना, हमें आर्मी नहीं ना बोलता है। आपका हुआ भाई भाई में झगड़ा हो गया, महाभारत हो गया, एक नहीं भाई बोलता है, वो लोग थोड़े भाई बोलता है, एक नहीं गलती है, एक नहीं लड़ा के लोग का, आप हमनी के हमारा लोग है, हिंदुस्तान का लोग है, हिंदू है, पहले ये सब मिल के मरवा देता है उकनी के, और अभी नहीं जा रहा है। देखिए अगर हम लोग से होगा तो आवाज उठा रहे हैं। अच्छा एक तो ये जो आर्मी है वो तो आवाज नहीं है उठा रहा, हटना रे मक्खी। भीम आर्मी तो भाई छोड़ दो उसको, गया। बाकी कौन कौन है ये विपक्षी नेता और सरकारी नेता ये लोग? और अभी तक मेन मीडिया में नहीं है, चलिए सब गाली देता कि स्वर्ण मीडिया है। हाँ, आज एक आपको पोस्ट दिखा देंगे, आप हाँ, चलाते रहिएगा। हाँ, द शूद्र है, एक्टिविस्ट वेद है। अच्छा, हम लोग तो करिए रहे हैं, हम लोग हाँ, उसपे भी हम लोग बांट के नहीं रखे हैं, हम लोग बांट के रखा है। हाँ, दलित का अलग आर्मी है, दिलीप मंडल दलित चिंतक होते हैं हम लोग तो सबके लिए हैं। हाँ, उसपे भी बोले थे, इसपे भी बोले थे, हो सकता है 2 दिन लेट बोले, क्या की बिना सत्यापन के नहीं बोलेंगे, क्या की दुनिया फिर कहेगा की दंगा भड़का रहे हैं। हाँ जी, अब हमने के खबर भी थोड़े ऐसे पता चल जाए, हमने थोड़ी टीम है अपने, जासूस कोना कोना में थोड़े छोड़ ले, तो खोला लियो फेसबुक तो पता चल लो, तोनी 4-5 बार गर येलू कमेंट में कि तोनी के बोलल नहीं जा रहा है, मधुबनी पर बोल रहा था, इस पर नहीं बोल रहा है। तो बायसी में पहले जिकरा होगा, हमनी के बायसी में है कोई, फोन लगाए पापा को, पता करवाए, पता होगा तब ना बोलेंगे, सत्यापित करके ना बोलेंगे, क्योंकि न्यूज में करना है, तोनी के काम था न्यूज देना, न्यूज कहाँ दिया हम लोग को जब हम लोग बोले लाइव में आके, ना ना बस ऐसी बोल देना डायरेक्ट। अब देखिए कभी कभार मियाज गर्म भी हो जाता है, कहीं गर्म आदमी हम ये है इसू, ये बोलते है ना मधुबनी पे कहे बोला, उस पर कहा नहीं बोला, तो कहा तुमको मधुबनी वाले से दिक्कत है, हैं? हम सब पे बोलेंगे, हमको जो केस नजर आ जाएगा उस पर बोल देंगे। अभी कुछ दिन पहले पारस में घटना हुआ, उस पर बोले कि नहीं बोले, पारस वाला जात पूछ के बोले, जात देखे के लिए हो, तो ये सब ड्रामा तो नहीं मत कैल करके, एरा पे बोला हुआ पे ना बोला, सब पे बोला ही, कार्रवाई कैसे होता है? जे झंडा ढोबा है या नारा लगावा है वो सब कहाँ है, वो सब कहा ना बोल रहा है। अरे भाई आप एक मिनट बोलते रहिए, हम आपको एक चीज दिखा, एक चीज और, ये जितना मुसलमान लोग है फलस्तीन ला आंसू बहा रहा था कि फलस्तीन ऐसे कह लिया इजराइल कर रहा है, पहले घरवा में देख तो नहीं, जब उसे कह ले इधर बंगाल में भी कह लिया हिंसा हो। अब वो सबसे बड़ा बात है ना कि बोलता है कि हम लोग मुखर हैं, ये हैं, तो जब तक अपन लोग के खिलाफ अपन आवाज नहीं उठाएगा, फिर आपको बोला जाए कि मुसलमान खराब है तो बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, तो आवाज उठाइए। जितना बायसी के जितने मुसलमान हैं जो इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, लिखिए आके कमेंट में कि हम इसका घोर निंदा करते हैं और सबको मिलना चाहिए, देखिए न्याय मिलना चाहिए। ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर मीट, बताइए क्या है, है? अगर अगर हमने लिख दें, हाँ, कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड मीट, ये सब कौची है फॉरवर्ड, काहेला आपने आपको बांट के रखे हो, काहेला रखे हो दलित महादलित, देखिए भैया इसमें काय हुआ है, फॉरवर्ड बैकवर्ड में फोटो डाल देंगे, देख लीजिए। हाँ, ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर वही चीज ये देख लीजिए, काय आदमी का मीट है, इसमें से एक आदमी आपको बोलते हुए नहीं दिखेगा, काहे काहे कि आप ये लोग को लगता है कि जो जॉनी लोग गंदा राजनीति अभी पॉलिटिक्स कर रहा है, मिला मिला के मीम मीम बोला खराब हो जाएगा। हाँ, कितना लोग है, 3, अरे ढेर होगा, बथेरे पड़ल है, 22-23 को तो मीट है, ये कोई काम के नहीं है, ये सब आया राम गया राम है, अपना अपना बनता काम, आया राम गया राम, यही सब है, ये सब। और इन लोगों का चीज़ है पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है बस, ओकरा बाद इन लोगों को सुरक्षा है, लेकिन आम आदमी मर जाएगा, महादल वहाँ जाएगा वहाँ नहीं जाएगा पता है, मारपीट हो जाएगा। और जो आवाज उठा रहा है, जो बढ़िया काम कर रहा है, जो बोल रहा है, उसी पर तो आप लोग तीर मारिएगा, अरे फलनवा पर ना बोला ही रे, अरे मनुवादी ही रे, जातिवादी ही रे, अथीवादी ही रे, नानीवादी या दादीवादी कह ले रहे है। अरे हमनी के लगे कोची है, एक संसाधन, सीमित संसाधन है, कोनो टीम है,
अरे हमनी के आवाज से अगर इंसाफ मिल जाए तो ले लो लो ना भाई, का है? जिसके जिसके ऊपर हो रहा है अत्याचार उस पर आवाज उठाएंगे, चुप कर रहेंगे जब तक ग्यारह में कंठ में आवाज है तब तक बोलेंगे। लेकिन ई ना सबसे भैया बड़ा बात है कि अब लिखेगा कि तुम्हारा हिम, अरे भाई हमनी के लिए पैसा है, पैसा है खेतवा बेच दे, खेतवा बेच के जंग लड़ा जाता है का क्रांति, खेत नहीं है कि बेच देंगे तो जंग लड़ सकेंगे, तो वो अभी काहे नहीं लाप ला रहे हैं, काहे ऐसा हो रहा है का? इससे पहले उसी बाईसी में भैया पैगंबर साहब पे एक आदमी टिप्पणी किया, वो कमलेश तिवारी जिसको हत्या हो गया हिंदू का, कमलेश तिवारी के नेता का, उस पैगंबर पे टिप्पणी किया उसका हत्या हो गया, लेकिन उसके विरोध में बाईसी में उसी बाईसी में 70-75% आबादी है, आपको वार्ड से लेकर सांसद तक सारा एमआईएम के सांसद है, एमआईएम के विधायक है, सांसद एमआईएम का नहीं है विधायक है, पांच गुजी चलता हुआ सीमांचल का एरिया, तो 70% आबादी है। अब और वहां से भीड़ निकलता है, पिछला बार सारा दुकान जला देता, हर बार ऐसा हो जा रहा है, काय हो जा रहा है? अभी आप पूछिएगा, नहीं पूछा जाएगा, पूछिए ना अभी काय नहीं हो रहा है? अभी जो सेकुलर नेता लोग बना रहा था उन लोग को बोलिए ना जाए दौरा करे, आप बोल रहे हैं कि मधुबनी में, मधुबनी में नेता नहीं गया था पहले ना, पांचवा दिन गया था, पांचवा दिन कहे गया था जब ओकरा लगा कि हमारा बेइज्जती हो जाएगा, फहमी में मत रहिए कि नेता पहुंच गया था, पहले आवाजें उठाया गया था, राणा दीपू सिंह पहले पहुंचे थे माइक लेकर के, सच तक के मनीष कश्यप को लेकर के, तब होगा था। अगर आपको लग रहा है तो जाके देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि होली के दिन का घटना है, अब पांचवा दिन भैया पोस्ट लिखते हैं हमको, और आदेश में गुरुजी हैं तब फोन पर हर चीज में आप लोग जो लिखते हैं कि तू का किया मधुबनी ला, तो ये न्यूज रिपोर्टर नहीं है, ये सब का हिस्सा बचा हुआ है, हम लोग 10 गो लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं, कोई इंटरटेन करेगा आपको, कोई मुद्दा पे आवाज उठाएगा, कोई फील्ड पे पहुंचेगा, कोई 2 रुपया देगा, कि सब एक कामों में लग जाए, कर रहा है सब कर रहा है। उस दिन मधुबनी पे भी हुआ, मधुबनी पे भी हुआ, आज बाईसी पे भी बोल रहे हैं, और आप लोग को भी बोल रहे हैं, और सारे मुसलमान भाई लोग को भी बोल रहे हैं, अगर भाईचारा बनाकर रखना चाहते हैं ना तो विरोध करिए, ये जो घटना हुआ है ना उसका विरोध करिए। बार बार हो जा रहा है, इससे पहले पूरा आग लगा, आगजनी हो गया था, पूरा मामला फैल गया था, पूरा आगजनी हो गया था उसी बाईसी में, अभी सांसद महोदय आके बोल रहे हैं कि कार्रवाई किया जाए, अब केकरा, ये वो क्लिप डाला है 30 सेकंड का, कौन करेगा कार्रवाई? हम लोग यहाँ से जाके कार्रवाई होगा तो कैसे होगा? ये पूरा समुदाय को समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, वहीं कार्रवाई होने की जरूरत है, सामूहिक कार्रवाई होना चाहिए। वहीं सीमांचल का एरिया, एक और चीज नोट करवा दीजिए लोगों को, वहीं सीमांचल का एरिया था कि ये पुलिस चोर के घर में गए और बिहार का एगो इंस्पेक्टर का हत्या कर दिया, भीड़ घेर के गांव, वो सीमांचल का एरिया था, पूर्णिया का अभी जो हुआ था कुछ दिन पहले। भाई कम से कम इतिहास से या पहले की घटनाओं से कुछ तो सीख लीजिए, वहाँ के नेता हो गए, वहाँ के विधायक सांसद, वहाँ की सरकार, वहाँ की जो पुलिस फोर्स है, जो सुरक्षा बल है, जो कानून है, कुछ तो यार शिक्षा लो यार, कुछ करो यार, हैं ऐसी करो कुछ। हम लोग को वीडियो बनाने से थोड़े होगा, हम लोग वीडियो बना के आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी करना तुम लोग को है। पहले वो साहब थे ना मीम ग्रुप के, साहब एगो पोस्ट शेयर करके लिख रहे हैं कि जब इस मोदी को गरियाता है तो बहुत खराब लगता है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलता, तो सुनिए साहब, जब आदमी हम सबका एगो परसेप्शन होता है, जब हमको 10 गो में जे दिन अगर इनका हम बहुत गुरुजी कर रहे हैं, खाली गलत करेंगे तो हम बोलेंगे, और हम भी शिष्य हैं, अगर हम खराब करेंगे तो बोलेंगे, लेकिन सबका एगो परसेप्शन है, आपको कांग्रेस अच्छा लगता है तो एक पैसा हो सकता है, हमको बीजेपी अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है जो उस गलती करेगा तब हम महिमा मंडल करेंगे, हम लोग से नहीं होता है, और आपसे सीख के नहीं करेंगे, बुद्धि विवेक ईश्वर हमनियों को दिए हैं, तो जब समाज में आ जाएगा तो विरोध करेंगे, आपके लिखने से कुछ नहीं होगा। आज आपका पोस्टवा खोल के वीडियो बनाने से पहले देख रहे हैं, आप नहीं किए, आपका नाम नहीं रखेंगे, आप फेमस हो जाएगा फ्री में, ठीक है, इसलिए आपका नाम नहीं रखेंगे, तो जो आप जब जो तराजू है ना इंसाफ का, उसको समांतर लेके चलिए, समझे, नहीं तो ऐसे ही पिसिएगा। तो चलिए वीडियो को शेयर करिए, देखते हैं कब होता है जय मगध, जय बिहार, जय हिंद, जय हिंद।